अस्सलाम वालेकुम कस्टमर्स, आसिम जोफा का एक और आर्टिकल की मैं आज रिव्यू दे रहा हूँ। तो इस आर्टिकल का नंबर है, कोड है AJLR30। ठीक है, बहुत प्यारा कोड है ये, इसकी भी आपको रिव्यू देते हैं। और ये ट्रेंड बाय नूर पर ये अवेलेबल होगा। ठीक है जी, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, ये एम्ब्रॉयडर्ड सेंटर पैनल है इसमें, लेफ्ट पैनल राइट पैनल। ठीक है, पैनल्स फॉर बैक है इसमें और पैनल फॉर फ्रंट है। इसके अलावा एम्ब्रॉयडर्ड के इसमें स्लीव्स है, थिन बॉर्डर ऑन सिल्क फॉर स्लीव्स है, थिक बॉर्डर ऑन सिल्क फॉर स्लीव्स, दो स्लीव्स के बॉर्डर हैं फ्रंट, और उसका शिफॉन दुपट्टा है, डाइट ट्राउज़र है। ये इसका डाइट ट्राउज़र है, ये मैं साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, अभी तक ओपन नहीं हुआ है, ये ओपन कर रहे हैं आप लोगों के साथ, हम भी देखते हैं कैसा सूट है ये। अभी तक जितने भी आर्टिकल हैं सारे अच्छे हैं और तकरीबन वीडियो के साथ सेल भी हो रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा है इस आर्टिकल का। ये रंग रुत और रक्स में से है ये आर्टिकल। अच्छा जी, ये देखें, ये आर्टिकल मैंने तैयार कर दिया है, ये फ्रंट पे चला गया। ठीक है, ये फ्रंट आ गया, ठीक हो गया, इसको मैं सही से दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये फ्रंट पे आ गया है, ये बहुत प्यारा काम हुआ हुआ है ये। ठीक है, ये देखें, बहुत ही प्यारा काम है, साइड पे भी इसी तरह से पूरा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है ये। ठीक है, लॉन फैब्रिक पे पूरा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है ये, बहुत प्यारा आर्टिकल है ये। कलर्स बहुत अच्छे, कुछ आर्टिकल जो होते हैं पिक्चर में अच्छे नहीं दिख रहे होते, लेकिन एक्चुअली वो अच्छे होते हैं। ठीक है जी, इसके बाद जो है इसकी स्लीव्स हैं, ये पैचेस इसके फ्रंट के दिए हुए हैं। ठीक है, ये पैच दिया हुआ है फ्रंट और बैक के लिए। फ्रंट और बैक का पैच है, ये स्लीव का पैच है। ठीक है, अच्छा पैचेस इसमें, ये इसकी स्लीव्स हैं। ठीक है, ये दो स्लीव्स हैं, यहाँ से ये कटेगा, थ्रेडिंग दी हुई है यहाँ पे, देखें ये थ्रेडिंग दी हुई है यहाँ पे, ये दो स्लीव्स हो गई, ये साइड पैनल यहाँ पे लगे हैं, और ये इसका हो गया, ये देखें ये बैक का हो गया, साइड पैनल एक बैक का है, बैक पे भी साइड पैनल है और इस पे भी साइड पैनल्स हैं। ठीक है, ये बैक के दो साइड पैनल्स हैं। ठीक है, और ये बीच का इसका कपड़ा है बैक साइड का। ठीक है, ये बीच का कपड़ा है, पैनल है, सॉरी। अच्छा, आस्तीनों के दो पैच हैं। अच्छा, ये दो पैच जो हैं ये आस्तीनों के हैं। अच्छा हाँ जी, ये देखें जी, ये आस्तीनों का है, एक पैच ये है आस्तीनों का और एक पैच ये है जो नीचे लगा हुआ, और एक पैच है थिन और थिक आस्तीनों का पैच है। ठीक है, और एक दामन का पैच है। ठीक है, ये हो गया, और ये दुपट्टा, यार ये बहुत हैवी है, ये सूट बहुत हैवी है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा सूट है ये, बहुत ही प्यारा सूट है ये। अभी तक जो मैंने दिखाया ये इतना लोगों ने लिया क्यों नहीं, मेरे ख्याल से इसकी इमेज इतनी अच्छी नहीं लगी, हमारे पास भी इसकी इमेज ब्लरी हो रही है, क्यों हो रही है, ये सूट में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन ये तो बहुत ही प्यारा सूट है, ये देखें आप कितना हसीन सूट है ये। हाँ, ये तो मेहंदी वगैरह में चलेगा, ये तो मेहंदी में जो आप है ब्राइडल को ही पहना सकती हैं, ये ऐसा सूट है। और लॉन बहुत प्यारी लॉन है, शफून लग्जरी शफून है, जो लग्जरी में ये लोग यूज़ करते हैं, सेम फैब्रिक है, बहुत ही आला है ये, बहुत ही आला प्रिंट है। हाँ, इसका दुपट्टा भी हैवी है, शर्ट भी हैवी है, शर्ट पे भी पैनल है बैक साइड पे, फ्रंट पे भी पैनल है बैक साइड पे। पैचेस आप देखें कितना हसीन काम किया हुआ है, डिटेल आप चेक करें, ये देखें डिटेल आप चेक करें कितना हसीन काम किया हुआ है इस पर,
ये देखें इसकी वो देखें आप, बारीकी देखें, काम की बारीकी आप देखें। ये तो मस्ट बाय आर्टिकल है, ये देखें कितना अच्छा चल रहा है, ये सीक्वेंस का काम है, और एक साइड को पिंक रखा है, एक को गोल्ड रखा है, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है ये तो। ये तो जाना चाहिए आर्टिकल फ़ौरन, और मेरे ख्याल से वीडियो के बाद ये फ़ौरन जाना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है। देखिए मैं हर आर्टिकल की आपको बना के दे रहा हूँ, आसिम जोखा भी नहीं बना के देता, आप लोगों को आसानी हो रही है बाय करने में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब बस इतना कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो मेरा हक बनता है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।